यार ऐसी फिल्म तो मुझे समझ नहीं आता है, ऐसी फिल्म कौन सी फिल्म होती है। एवरी फिल्म इज़ अ फिल्म और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है और काफ़ी लोगों से सुना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई वांट टू सी हाउ रिचा इज परफॉर्म बिकॉज शी इज ऑब्वियसली एवरी टाइम शी सरपासेस व्हाटएवर शी इज डन, शी एवरी टाइम डज द बेस्ट बेसिकली। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच रिचा ऑन द स्क्रीन एंड या आई थिंक इट्स गॉट लाइक अ गुड एंसेंबल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कंट्री में अगर बात करें कि इस तरह की ढेरों सारी प्रॉब्लम, कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, लोगों को, अपनी हिंदी फिल्म फ्रेटर्निटी को, लोग सामने आए? यू नो देर आर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली डू सम यू नो टेक सम स्टेप्स टू सॉर्ट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। I think what we should do is look at what they have done and how they have achieved what they have achieved for the people and kind of rescued them and helped them from falling into that pit, and we should try to follow the same path, because if they have proved that it's not impossible, they have also proved that it's within our reach, so we can do this. Chalo kyunki aap ek different look mein hain to aapse janna chahenge kaun si upcoming film ka ye look hai? Nahi nahi ye to mehngai ho gayi hai, batai rakhi mehngai mehngai नहीं नहीं ये लाइफ में महंगाई हो। ओके सर, सर एक आपको ओपिनियन जानना चाहूँगी। आपने सुना ही होगा कि आर के स्टूडियो बिकने जा रहा है जी, तो बहुत से आर्टिस्ट लोग ने एक मुहिम छेड़ी है, हैशटैग बिकने नहीं देंगे, क्योंकि इट्स एन वन ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑफ अवर बॉलीवुड। और फॉरेन से भी आते हैं देखने ये स्पेशल स्टूडियो देखने के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ खरीद के वापस गिफ्ट कर दो, है ना, सब खुश। Thank you. ये ट्रेलर बहुत ही एक्साइटिंग लगा, बहुत ही उसमें मुझे जो दिखाया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, वो बहुत बहुत बढ़ रहा है दिन बर दिन, उसको रोकने के लिए, उसको एक अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो निकाली है इन्होंने, जो एक फिल्म के द्वारा दिखा रहे हैं। तो आई होप मूवी के दौरान, मूवी के द्वारा ये लोगों को कनेक्ट कर पाए और लोग समझें कि क्या प्रॉब्लम्स लड़कियां फेस करती हैं आजकल के टाइम पे। उनको डर लगता है घर से निकलने में, ट्यूशन जाने में, कहीं पार्टीज़ में जाने में, घर पर आने में, तो बहुत ही रिस्की है। जिस तरह का ये टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाइल्ड के ऊपर, राइट, आप अपनी तरफ से अपने प्रतिनिधि, अपने फैंस, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे कि सपोर्ट करें आए इस तरह से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सब सब कुछ पॉसिबल है अगर सब मिलके काम करें, और एवरीथिंग इज़ ईजी अगर कोई करप्ट ना हो, और सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए लड़कियों की, विमेन की, सब रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार से उनसे बातें करें, उनसे उनको प्यार दें, ना कि प्यार छीने, तो उनमें कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट रिस्पेक्ट विमेन एंड तभी आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके जो लुक है हल्की अच्छी खासी बियर्ड, आप बताइए तो दिनों का लुक है या ऐसे? नहीं, मैं बॉर्न स्मार्ट हूँ ना, हाँ, तो वैसी लुक है मेरी। बट हाँ, जल्दी कुछ नया आएगा होपफुली, तो लोग देखेंगे मुझे एक डिफरेंट लुक में। हॉरर होगा, रोमांटिक? नहीं, मैं, मेरी शक्ल हॉरर वाली है। रोमांटिक भी बोला ना मैंने, हाँ, रोमांटिक नहीं, रोमांटिक नहीं, हाँ, थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा कॉमेडी भी है, और साथ में एक होता है कि यू नो सरदार हमेशा कॉमेडी में नहीं आ सकते, थोड़ा उनमें सीरियसपन है, वो भी जस्ट बिकॉज आई एम सरदार डजंट मीन आई एम फनी ऑल द टाइम, तो वो आएगा जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you.
चलो रोल है सबका। ओके तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हम सभी की मीडिया वालों की तरफ से, एंड फिल्म ने जो है ढेरों सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अप्रिसिएट की जा रही है। तो फिल्म रिलीज हो, इंडिया में रिलीज होने से पहले इतनी ढेरों सारी पॉजिटिविटी होती है, क्या थॉट होता है, क्या टेक होता है रिचा? ये एक ऐसी फिल्म है जो हम सभी ने, रिया की पहली फिल्म है परछाई, और मैंने आई थिंक सिर्फ पैशन के लिए ये इस फिल्म का हम हिस्सा बने, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है और ये कहानी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कड़क रिस्पांस मिल रहा है, रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, सो आई एम एक्साइटेड। रिचा जी के साथ सब इतने सारे जी हैं पोस्टर में देखो, कितना परेशान किया इन्होंने या कितना? बिल्कुल परेशान नहीं मैंने, नहीं ये लोग हमेशा मेरे पिलर बन के रहे, साई, रिचा, फ्रीडा, मृणाल, आदिल सर, एवरीवन। मैंने रिचा के साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली पिक्चर में मुझे इतने अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करने को मिला है, और इतने अमेजिंग डायरेक्टर, और ऊपर से ऐसी चीज़ सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर जो बेस्ड है, जिस पे मूवीज़ बनती नहीं है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। सही जी, आपकी भी अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये पहली फिल्म है, एज एन एक्टर कैसे देखती हैं आप इस फिल्म लव सोनिया? मुझे बहुत खुशी है कि लव सोनिया जैसी फिल्म मेरी पहली इंटरनेशनल फिल्म है, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक रियलिटी, एक कुछ एंटरटेनमेंट से बढ़कर कुछ मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और परसों से हमाराइट 14th से वो मैसेज सबके लिए खुल जाएगा और सब लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि लव सोनिया क्या है। बहुत खुश हूँ, आपने भी बहुत अच्छे तरह से मीडिया वालों ने रिस्पॉन्ड किया है। यस, सो वी आर वेरी हैप्पी, बी विद अस एंड वी शैल मेक यू प्राउड। आप तीनों से जानना चाहेंगे, जिस वजह से फिल्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज के ऊपर है, एज एन एक्टर अपने फ्रेटर्निटी दोस्तों को, अपने फैंस को, इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि और लोग आए, सामने आए, सपोर्ट करें, इंडियन गवर्नमेंट, दोस्त, फ्रेटर्निटी मेंबर, सभी? सपोर्ट तो सभी कर रहे हैं बहुत अच्छा, बिना हमें कुछ कहे। आइए प्रणाल। हेलो। हाँ जी, तो हम बातें कर रहे थे कि गर्ल पावर। हमें सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये समझना कि जब डिमांड होती है तभी सप्लाई होती है। कुछ लोग इस कुकर्म के लिए पैसे दे रहे हैं, तो सब उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और छोटे शहरों में, गांव में जो माँ बाप है उनको भी बहुत अवेयर होना ज़रूरी है कि कोई अगर नौकरी प्रॉमिस कर रहा है या कुछ, तो यू नो बहक ना जाए। रुलाया नहीं, बहुत हंसाया, इनफैक्ट लाइव कमेंट मिल रहा है, झूठ बोलिए, मस्ती की हमने बहुत सारी, फिल्म भले ही इतनी सेंसिटिव टॉपिक पे होगी, बट रियली आई हैव फाउंड अ फ्रेंड, एंड दिस इज नॉट अ लाइक हम को स्टार नहीं है, गर्ल्स पावर friends, we found friends, but yes. Special one, yeah, and girl I found, to hai found a sister. Yes, yeah. So, thank you. अच्छा तुम करो ये मैं जा रही हूँ। जी, हाँ ये जस्ट। So yeah, I'm quite happy about the fact कि यार इस film through मुझे एक friend ही नहीं, एक बहन ही नहीं, एक बहुत अच्छी बड़ी बहन, ये छोटी बहन है, बड़ी बहन है, सो दे आर ऑलवेज देयर जो मुझे सपोर्ट करें। हमने बहुत मस्ती की है ऑनेस्टली, आई थिंक द रीज़न हमारा बॉन्ड इतना अच्छा दिख रहा है पर्दे पर इज़ बिकॉज ऑफ स्क्रीन वी शेयर अ डिफरेंट एंड अ फैंटास्टिक केमिस्ट्री। सही जी, हम बात कर रहे थे कि मैसेज इंडियन गवर्नमेंट लोगों से, आपके दोस्तों से कुछ कहना चाहिए उनको, लोगों के लोग आए सपोर्ट करें इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज के टॉपिक पर। हाँ, ये हमारे ही हाथ में है आई थिंक, और हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज़ टाइम टू वेक अप एंड स्टैंड अप फॉर समथिंग। जो चीज़ हमें भी बॉदर करी है इतने सालों से, लेकिन हमको पता नहीं है कि इसको कैसे सपोर्ट करें या हम कैसे कॉज का काम पार्ट भाग बने, हिस्सा बने, तो ये बहुत अच्छा रीज़न भी है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो आइए हमें ज्वाइन करिए और साथ में हम रोक देंगे इस चीज को। 14th of September, yes. Yes. So 14th September, please go watch, go and watch Love Sonia. Love Sonia. Only in theaters. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you.
English, the so it's different because when I produce stuff, you want me to look at the camera? Yeah. Look at camera. Shit, man, it's so strange. No problem. Look at beautiful. उनको पता है कि मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता. Anyway, it's different when I line produce stuff because then we get hired as production companies. So the truth is that we are hired producers on that. So the script is already written and people already have the actors and the money. So literally it's just a producing job. On this one, this is the first film I'm directing, so it's very different. This is it's a story that found me, and after about 10, 12 years of research and going through the script with the two writers and finding the right producer, I was ready to make the film. Film is appreciated international platform, and what do you expect in India? So it's, I'm very excited that the film is actually getting out because I don't think a movie like this would be out in theaters 5 years ago or 10 years ago in India. Or it would come out maybe in 5 screens, but for the type of movie that it is, I think we're going out quite wide and you know, we are putting in the hands of the audience. I think that you have all types of movies being made now, amazing films coming out of India, whether they're commercial films or independent films, but they're just really good stories. So we're hoping that the audience will come in, they'll be intrigued, they'll be engaged with our actors, they'll go through a journey, maybe a journey that they haven't been through before. They might get more shocked than they normally do, but we're hoping that they'll come out the other side with a ray of hope, and they'll see that these girls have amazing courage and we need to honor them. Thank you so much. Good luck. Get the camera. Got it. Now, what are you expecting in India? What was the question? It has been appreciated in international platforms. What are you expecting? It has been appreciated in national platforms? Yeah, it has been. Really? In London and in Melbourne. Oh, the festivals. Yeah. What do we expect from India? That's a tough question, but here we go. From India, we hope that people will be able to connect to Sonia's journey. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं इंग्लिश में जवाब देती हूँ ताकि ये भी सुन पाएँ. आई एम गोना आंसर इन इंग्लिश. हाँ, आई रियली बेनिफिटेड फ्रॉम द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दैट डेविड एंड तब्रेज ब्रॉट टू द फिल्म. वी वर ऑलवेज इन सेफ हैंड्स. वी नेवर फेल्ट लाइक द पॉइंट ऑफ व्यू इन द फिल्म विल बिकम titillating or objectify the pain of these people. We never felt like it was poverty porn. For me, this film is not even, it's not realistic, it's real. And that's what's beautiful. I'm really happy that I got to work on this film. And aap kuch question karna chahenge aaj David ko, kyunki 14th ko September ko film release. Main question nahi karna chahungi, main inki shukrgozar hu ye apne aap LA se yahan aaye. I was telling them that you flew from LA just to be here. He didn't have to, but he's here to support the film because he believes in it. And he believes that people in India, more and more people in India should watch it. Definitely. And I'd actually say, just in terms of my own personal journey, there have been two momentous occasions. And the first one was obviously Life of Pi. But the second one is producing a film in India, an Indian film. So very exciting.
And David, you like India? You like India? It's my second time. He follows Hindi also, okay? Hindi? Yeah. You speak Hindi? Huh? Huh? You don't want to have me say something because I learned a new word today. Inchod. Okay. ट्रेलर एक तो रिचा जी जो भी काम करती हैं मुझे वो एज अ ह्यूमन बींग बहुत पसंद है और मुझे एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो कुछ भी करती हैं तो सबसे पहले मैं ट्रेलर देखती हूँ कि क्या कर रही हैं कैसे इस बार हम मोटिवेट होंगे इंस्पायर होंगे तो जब ट्रेलर देखा तो काफ़ी एक वही होता ना आपके जो स्क्रूज जो होते हैं आपके दिल में या दिमाग में वो कहीं ना कहीं कुछ हिलता है तो इसलिए आज इनफैक्ट बहुत बाकी बहुत बेहतरीन फिल्में भी निकल रही हैं लेकिन आई वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे इस स्क्रीनिंग के लिए आना है क्योंकि मुझे ये फिल्म देखनी है और काफ़ी टाइम से देखनी है तो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी फिल्म को अप्रिशिएट किया जी गया। आप फिल्म को देखने के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? मैं फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब कोई ऐसा मुद्दा होता है जो कि बहुत रेलिवेंट होता है जैसे इस फिल्म में है सो आई थिंक बहुत हम तभी एक फ़र्क पड़ेगा दुनिया में जब हम ऐसी टाइप की फिल्में देखेंगे क्योंकि शायद हमारी लाइफ में या हम जिनको जानते हैं इमीडिएटली उनके साथ ये सब नहीं हो रहा है लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है बहुत लोग हैं हर टाइप के लोग हैं तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डेली लाइफ में अगर कोई ऑफिस भी जाते हैं तो लेकिन हम 5 मिनट निकाल के किसी की ज़िंदगी कैसे चेंज कर सकते हैं आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर फिल्म है चाइल्ड अब्यूजिंग पर फिल्म है आप अपने फ्रेटर्निटी अपने दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को कुछ कहना सपोर्ट करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी फिल्में जब बनती हैं तो हर टिकट वैल्यू का होता है तो आप लोग प्लीज़ जाइए ये फिल्म देखिए और अगर अच्छी लगती है तो और लोगों को जाके बताइए मतलब फ्रेंड्स फैमिली सबको लेके जाइए क्योंकि वी नीड द सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।